दोस्तों हरियाणा के गुरुग्राम से लॉरेंस के एंटी गैंगस्टर कौशल चौधरी को लेकर बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, तो बताते हैं आपको पूरी जानकारी, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। दरअसल दोस्तों हरियाणा के गुरुग्राम से खबर ये आ रही है कि पुलिस रिमांड पर चल रहे कुख्यात गैंगस्टर कौशल चौधरी ने पुलिस कस्टडी में सुसाइड करने की कोशिश की। पालम विहार क्राइम ब्रांच पुलिस कौशल चौधरी को एक मामले में तफ्तीश के लिए प्रोडक्शन वारंट पर लेकर आई थी। गैंगस्टर ने वहां दाढ़ी बनाने वाली मशीन से गर्दन की नस काटकर सुसाइड करने की कोशिश की। पुलिस ने उसे प्राथमिक उपचार दिलाया है। दरअसल जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि गैंगस्टर कौशल चौधरी ने पुलिस से गुहार लगाई थी कि उसकी बड़ी हुई दाढ़ी को कटवा दें। इसके बाद पुलिस द्वारा आसपास के सैलून से एक नाई को बिना धारदार हथियार से कौशल की शेविंग के लिए बुलाया गया था। पुलिस का दावा है कि इस दौरान कौशल ने मशीन से शेविंग के दौरान अपनी गर्दन की नस काटने की कोशिश की। हालांकि मौके पर निगरानी में लगे क्राइम ब्रांच के कर्मियों ने उसकी सुसाइड करने की मंशा को नाकाम कर दिया है। दोस्तों बताया ये भी जा रहा है कि इस दौरान कौशल की गर्दन पर घाव तो हुए हैं, लेकिन वो जानलेवा नहीं है। इसके बाद क्राइम ब्रांच ने कौशल के खिलाफ सुसाइड के प्रयास का केस भी दर्ज कर लिया है और पुलिस ने मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। दरअसल हम आपको बता दें कि गैंगस्टर कौशल के खिलाफ उत्तर भारत में हत्या करने के प्रयास, फिरौती रंगदारी लूट समेत दर्जनों संगीन मामले दर्ज हैं। इन केसों में विभिन्न कोर्टों में कौशल के खिलाफ सुनवाई चल रही है। पंजाब के गैंगस्टर देवेंद्र बम्बीहा की हत्या के बाद कौशल चौधरी उसके गैंग की कमान संभाले हुए हैं। पंजाब में ही लॉरेंस के कई साथियों की हत्या को ये अंजाम दे चुका है। इसके साथ ही लॉरेंस और कौशल चौधरी का 36 का आंकड़ा बना हुआ है। दोस्तों दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। कौशल चौधरी को साल 2021 में एसटीएफ और गुरुग्राम पुलिस के संयुक्त ऑपरेशन के दौरान गिरफ्तार किया गया था। तब से गैंगस्टर कौशल चौधरी तमाम संगीन मामलों में ट्रायल भुगत रहा है। न्यू कॉलोनी थाने में साल 2020 में दर्ज एक केस में क्राइम ब्रांच ने उसे 29 सितंबर को कोर्ट में पेश कर 3 दिन के रिमांड पर लिया गया था। दोस्तों बम्बीहा सिंडिकेट में शामिल होने के बाद ही कौशल चौधरी ने अपने गुर्गों के जरिए पंजाब के मोहाली में यूथ अकाली दल के नेता विक्की मिड्डू खेड़ा, जालंधर में इंटरनेशनल कबड्डी खिलाड़ी संदीप नांगल अम्बीहा सहित कई मर्डर करा चुका है। इसके खिलाफ बठिंडा, अबोहर, मुक्तसर में भी कई मामले दर्ज हैं। पिछले दिनों ही कौशल चौधरी के ठिकानों पर एनआईए की टीमों ने छापेमारी की थी। तो दोस्तों इस प्रकार गैंगस्टर कौशल चौधरी ने दाढ़ी बनाते समय खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी, लेकिन पुलिस प्रशासन वहां मौजूद होने के कारण उसकी मंशा को नाकाम कर दिया है। तो आप क्या सोचते हो गैंगस्टर कौशल चौधरी को लेकर, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।